अगर आप फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, लेकिन ये जो लाइव स्ट्रीम है ये वर्टिकल मोड में होती है, लेकिन गाइस आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीम जो है हॉरिजॉन्टल मोड में करना है इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस आप ये कैसे कर सकते हो? सो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है, और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि फेसबुक में ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू आप फ़ोन में हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम कर पाओ। सो यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले इस परमिशन को जो है अलाउ कर देना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस आपको यहाँ पे ये वाले एप्लीकेशन को ढूंढकर इस वाली परमिशन को ऑन कर देना है और वापस आना है। और वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर डू नॉट शो दिस अगेन वाले ऑप्शन पर टिक करके अलाउ पर टिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको फिर से यहाँ अलाउ कर देना है, और फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट सर्विस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है, और उसी के नीचे आपको यहाँ पर ऑटो स्टार्ट आफ्टर रोबोट रिबूट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसे भी ऑन कर देना है। इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करने के बाद आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। अब फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है, और फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट रिफ्रेश रीबूट जो भी ऑप्शन आपके फ़ोन में है आपको वो कर लेना है। और फिर गाइस इतना करने के बाद जब आप अपनी फेसबुक को ओपन करोगे और उसमें लाइव स्ट्रीम ओपन करोगे, तो जैसे ही आप इसे जो है इस तरह से लैंडस्केप मोड में करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीम भी इस तरह से हॉरिजॉन्टल मोड में हो जाएगी। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो इस तरह से आप अपने फेसबुक पर लाइव वीडियो को हॉरिजॉन्टल मोड पर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।